आलू तो हम सबका फेवरेट है ना, आपका भी होगा, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं कुछ क्लिनिकल स्टडीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि प्रेगनेंसी में पोटैटो के कंजम्पशन से रिगार्डिंग है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आप सभी के लिए हम शॉर्ट्स वीडियो लेकर आए हैं, आशा करते हैं आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, उस जानकारी से लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोटैटो के बारे में, क्योंकि ये तो सबका फेवरेट होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में पोटैटो कितना यूजफुल है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों ना खाएं, और इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो आइए हम सारे सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहले जो स्टडीज हुई हैं वो बहुत बड़े ग्रुप पे हुई हैं, 15,000 महिलाओं पर हुई हैं, और उस स्टडी से पाया गया कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में एक बार से ज़्यादा या इवन डेली रूटीन में हफ्ते में कई बार उनको आलू यूज़ करती हैं अपने डाइट में, उनको प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज होता है उसका खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हफ्ते में मैक्सिमम 2 टाइम्स आप पोटैटो का सेवन करें, क्योंकि पोटैटो में कोई बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं होता है, कुछ विटामिन सी, कुछ पोटेशियम, कार्ब्स, फाइबर आदि आपको मिलता है, लेकिन इसकी बजाय आप दूसरी हरी सब्जियां, पीली सब्जियां खाती हैं तो उनसे बहुत सारा आपको न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए आलू से रेस्ट्रिक्ट ना हो और आलू को बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें। सेकेंड कि कई बार आलू में थोड़ा सा बिटरनेस होता है, आपने खाते खाते देखा होगा कि आलू का टेस्ट बड़ा अजीब सा है, टंग पे उसका टेस्ट बहुत रिपीलिंग लग रहा है आपको, तो बिल्कुल उसी समय उस आलू को हटा दे, घर में किसी को भी खाने को ना दे, क्योंकि आलू में एक तत्व पाया जाता है जो टॉक्सिक होता है, सोलेनिन, और इस तत्व की वजह से आलू का टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है। तो कभी भी ऐसा आलू आपके पास हो, आपके खाने में आ जाए या घर में आप लाएं, आपको लगे कि इसका टेस्ट खराब है, तो उसको हटाएं, उसको कुकिंग में यूज ना करें, किसी को भी खाने के लिए ना दें। आलू की जो स्किन होती है उसके नीचे ये तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आलू ना खाएं तो फिर क्या खाएं। तो फ्रेंड्स, आलू की जगह स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि काफी सिमिलैरिटी है, ओरिजिन में भी सिमिलैरिटी, दोनों ही मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं। स्वीट पोटैटो का फायदा यह है कि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, हेल्दी फाइबर होता है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्वीट पोटैटो के काफी फायदे होते हैं प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, आलू को रिप्लेस करें आप स्वीट पोटैटो से, उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हफ्ते में 3 या 4 बार खा सकते हैं आराम से, अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी में पोटैटो दोस्त नहीं है, आपको उसको लिमिट में खाना है और उसे स्वीट पोटैटो से रिप्लेस करना है। आशा करती हूँ आप सब एकदम पॉजिटिव हैं और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। इसी तरह जुड़े रहें, स्टे ट्यून, बाय।